हम इन वीडियोस में लेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं और उस वीडियो में हम ट्रांसपेरेंसी को चेक करेंगे। एडिट में जाके मैं ट्रांसपेरेंसी सेटिंग्स ओपन करूंगा मैं, और ट्रांसपेरेंसी सेटिंग्स जो मैंने ओपन की, यहाँ से ये क्लिक किया, इसको मैंने ये ओपन किया, इसके बाद मेरे पास डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी सेटिंग्स आ गई। ऊपर प्रेफरेंसेस लिखा हुआ आया, मेरे पास ग्रिड साइज की ऑप्शन है और ग्रिड कलर्स की। राइट नाउ मेरे पास जो ग्रिड है वो व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे में है, और मैं इसके कलर्स को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं रेड करना चाहूँ मैं रेड कर सकता हूँ, और मैं कोई भी डिफरेंट कलर्स लेना चाहूँ कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने ये रेड चूज़ किया, उसने ऑटोमेटिकली रेड कर दिया मेरे पीछे एक बैकग्राउंड कलर को ग्रिड के। इसी तरह मैं ग्रिड के साइजेस को भी चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरी सोच है, मैं उसको कर सकता हूँ। मैंने लार्ज करूँगा तो ये लार्ज हो जाएंगे, मैं इनको स्मॉल करूँगा तो ये बहुत स्मॉल हो जाएंगे, छोटे से हो जाएंगे, और अगर मैं नन करूँगा तो ये नन हो जाएगा और बैकग्राउंड पूरा वाइट हो जाएगा। सो ग्रिड की जो ट्रांसपेरेंसी है, मैं उसको कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, ये मैंने आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये सेटिंग्स किस तरह है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे मेरे पास बहुत सारी सेटिंग्स और मौजूद हैं, लेकिन इस टाइम हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो हम ये इसको इस तरह करेंगे। अब ग्रिड कलर्स की बात करें, ग्रिड कलर्स के अंदर मेरे पास डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, ब्राइट डार्क है, मीडियम है, मैंने मीडियम चूज़ किया था, वो कलर डार्क ग्रे और लाइट ग्रे के अंदर वो कलर शो हो गया, मुझे कलर वो नज़र आ गया। मैं इसमें फर्दर इसकी बी कलर में जाकर उसकी रेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू जो परसेंटेज में वो चेंज कर दिया, वो कलर और चेंज हो गया। इसी तरीके से मैं जो भी इनकी कलर की सेटिंग्स करना चाहता हूँ, ये मेरी मर्जी है, मैं उस कलर की सेटिंग को उस तरह सेट कर सकता हूँ। और ये सारा सेटिंग करने के बाद मैं ओके करूँगा, और ये मेरी जो प्रेफरेंसेज और ट्रांसपेरेंसी सेटिंग्स हैं ये मेरी सेट हो गई। और अब ये मेरे पास इमेज जो है हॉर्स का, इसके ऊपर और राइट साइड पे चेकर बोर्ड जो है मेरे पास, चेक बॉक्सेज हैं, वो नज़र आ गए। मैं यहाँ से इस लेयर को बंद करूँगा, पता लग जाएगा कि वो जो पीछे जो लेयर है वो एक अलग से है, और ये जो फ्रंट पे इमेज मेरा पड़ा है ये एक इमेज अलग से पड़ा है। अब मैं इस इमेज को सेव कर सकता हूँ, अगर सेव करना है तो उसका एक तरीकाकार तो ये है कि मैं एग्जिट कर दूँ, सिंपली इस इमेज को बंद कर दूँ, और मुझसे पूछ लेगा कि जी इमेज को सेव करना है या नहीं करना। इसके अलावा मैं दूसरा काम ये कर सकता हूँ कि मैं इस इमेज को, यानी कि मैं चेकर बॉक्स को हाइड करने के लिए इस इमेज को, इस लेयर को, हॉर्स वाला लेयर को सिलेक्ट करूंगा, और इसको मैं ड्रैग करके अब बाकी सारी जो साइडें हैं वो कवर करवा दूंगा। लाइक जिस तरह मैंने इस टूल को यूज पिक करूंगा, पिक किया, और मैंने इसमें से, यहाँ से मैंने अपना इमेज ड्रैग किया, और मैंने इसको सेंटर में ला के सेट कर दिया, यानी कि मेरे टॉप से राइट से सारा वो जो चेकर बोर्ड है वो इसके पीछे अकॉर्डिंगली हिडन हो गया।